एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। तो कल की वीडियो में भी हमारी बात हुई थी कि बैंक निफ्टी में एक इनसाइड कैंडल बनी है, किसी भी एक्सट्रीम पे अगर ओपन करता है या फिर एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के केस में हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर 15 मिनट्स पे भी देखें तो 15 मिनट्स पे जिन एरियाज की बात हुई थी, दोस वर 44,750 या फिर लोअर लेवल्स पे 44,220। एक और एरिया था 44,500 के नीचे की तरफ, अगर गैप डाउन ओपन कर जाता वहां पे हम शॉर्ट साइड का एक ट्रेड ले सकते थे, टारगेट्स उसमें रहते 300। बट बैंक निफ्टी ने आज जैसे ही ओपन किया उसी टाइम नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट किया, और वन मिनट टाइम फ्रेम पे ऑल्दो हमारा जो एरिया था वो ब्रेक तो किया, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, ट्रेड क्यों नहीं लिया गया? बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इधर देखें कि 500 के नीचे की तरफ यार अगर कैंडल क्लोज भी हम वेट करें तो कैंडल क्लोज जो हुई थी वो हुई थी 400 के आसपास, तो स्टॉप लॉस मैनेजेबल था नहीं। तो इस पूरे के पूरे मूव को अवॉइड किया गया था, इनफैक्ट लाइव स्ट्रीम पे भी इस पूरे मूव को मैंने अवॉइड ही किया था, बिकॉज बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे पुल बैक मिल जाता हमें, सपोज बैंक निफ्टी ने ये जो ड्रॉप मारा था इसके बाद पुल बैक और फिर कॉन्टिन्यूएशन मिलता तो हम 300 तक के टारगेट्स के लिए ट्राई कर सकते थे। सो दैट कि हमें 1:1:2, 1:1.75 ऑलमोस्ट ये हमें रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड मिल जाता, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं तो इसको बिल्कुल अवॉइड किया गया था। अभी कल के लिए भी एग्जैक्ट सेम एनालिसिस है, बिल्कुल सेम, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे स्ट्रैंगल्स थे अभी भी बने हुए हैं, स्ट्रैंगल स्क्वायर ऑफ नहीं हुए, लोअर लेवल भी प्रोटेक्टेड है, अपर एरिया भी प्रोटेक्टेड है। कल भी अगर फ्लैट ओपन कर जाता है, इसी रेंज में ओपन कर जाता है, फिर दोबारा रेंज प्ले करना पड़ेगा, लेकिन कल अगर दोबारा से गैप डाउन ओपन कर जाता है, सपोज 44,200 के आसपास कहीं ओपन कर जाता है, वहां पे फिर हमें फॉलो थ्रू देखने को मिल सकता है और टारगेट रह सकता है 43,900 के आसपास, लेकिन उसमें कम से कम 5 मिनट कैंडल क्लोज का वेट करना पड़ेगा नीचे की तरफ और पुल बैक एंड देन कॉन्टिन्यूएशन। बिकॉज अगर हम सिंपल सा कैंडल क्लोज में काम करने लगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है बहुत वाइड बनेगा, इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम करना स्पेशली इन इंट्राडे इट्स नॉट एडवाइजेबल, और इतने बड़े स्टॉप लॉसेस चलते भी नहीं है इंट्राडे में, बिकॉज आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी देख कर चलना पड़ेगा। तो अभी कल के लिए गैप डाउन ओपन कर जाता है, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यार यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर की तरफ ओपन करे और 700-750 के आसपास कहीं ओपन कर जाए, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो अगर गैप अप खुलता भी है तभी भी इसी रेंज में खुलेगा, ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं। गैप डाउन अगर खुल जाता है, सपोज मार्केट बैंक निफ्टी 340 से नीचे की तरफ गैप डाउन खुल जाता है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, बिकॉज 340-300 इन एरिया से नीचे गैप डाउन ओपन पे और प्राइस अगर यहीं पर फंस गया, स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट अगर यहां पर प्राइस फंस गया, ब्रेक डाउन में हमें एक अच्छा फॉलो थ्रू वाला डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो गैप अप ओपन ना करें, गैप अप ओपनिंग के केस में फिर दोबारा इसी रेंज में फंसने के चांसेस हैं बैंक निफ्टी के। गैप डाउन ओपनिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकता है कल के प्राइस एक्शन को, बिकॉज फॉलो थ्रू हमें देखने को मिल सकता है। और साथ में ही कल से हमारा लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कल मॉर्निंग में फर्स्ट क्लास है फ्रॉम 10 AM। इफ एनीवन वांट्स टू एनरोल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का भी और कोर्स लिंक भी, यू कैन जस्ट क्लिक दैट एंड चेक दैट आउट। तो अभी निफ्टी पे स्विच करते हैं और निफ्टी में देखते हैं कि किस हिसाब से हमें काम करना चाहिए, बिकॉज निफ्टी में अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग एरियाज पर निफ्टी रुका हुआ है। निफ्टी में हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था 19,490 और 19,500 का। अभी निफ्टी ने क्या किया है, ओपन किया, ड्रॉप मारा और उसके बाद टोटली साइडवेज रही है मार्केट। कल अगर गैप डाउन हो जाता है, बिकॉज एक इनसाइड कैंडल थी, आज ब्रेक डाउन की कोशिश करी है और ब्रेक डाउन में भी ये पूरी की पूरी एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। तो कल अगर गैप डाउन ओपन कर जाता है, सपोज 490-500 इसके पास में गैप डाउन ओपनिंग करता है और मॉर्निंग में ही अगर ब्रेक डाउन मिल जाता है, वहां पे हमें एक शॉर्ट साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ इनिशियल टारगेट्स 410-420 तक के हम इनिशियल टारगेट्स रख सकते हैं। गैप अप ओपन अगर करता है, गैप अप ओपनिंग के केस में ज्यादा अभी भी कुछ देखने को मिल नहीं रहा, बिकॉज पूरे का पूरा अगर आप ये देखेंगे 28 सितंबर की जो बेरिश कैंडल है उसी के बीच में अभी भी सारा काम चल रहा है। तो अगर गैप अप ओपन होता भी है तभी भी हमारे पास ज्यादा कोई स्पेस है नहीं कोई ट्रेड लेने के लिए।
गैप डाउन ओपनिंग के केस में बेस्ट सिनेरियो दिख रहा है, और गैप डाउन ओपन करे हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिले 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और फॉलो थ्रू में हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन, और साथ में ही कल सुबह मिलेंगे 9 बजे इन लाइव मार्केट इन लाइव स्ट्रीम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।